गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आपका ग्लू गन का जो स्टिक है वो हीट होके बाहर नहीं आ रहा है या आपका ग्लू गन वर्क नहीं कर रहा है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक फ्रेंड, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है और कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम रहता है वो हम लोग देखेंगे। तो ये अपना ग्लू गन है, 40 वॉट का ग्लू गन है जिसका वोल्टेज रेटिंग है 110 वोल्ट टू 220 वोल्ट तक। ठीक, इसका फ्रीक्वेंसी 50 टू 60 हर्ज है। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम लोग ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसमें कहां कहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। फ्रेंड, इसको हम कब पूरा स्क्रू ओपन कर लिए हैं उसके बाद इसको हम लोग ओपन करेंगे। देखिए फ्रेंड, जैसे इसको ओपन करोगे तो आपके तरह इस तरह का आपका जो स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहां कहां पे हो सकता है यदि आपका ग्लू गन हीट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसके वायरिंग से आएंगे। यहाँ पे जैसे हम लोग 230 वोल्ट देते हैं तो ये अपना 230 वोल्ट किस में आएगा, सबसे पहले अपना स्विच में आता है फ्रेंड, पहला आ जाएगा स्विच में। जैसे स्विच में जाएगा, यदि आपका स्विच खराब हो गया हो तो भी आपका जो ग्लू गन है वो काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, स्विच को पहले रिप्लेस कर सकते हो। या यहाँ का यदि कनेक्शन निकल भी गया तब भी आपका ग्लू गन काम नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन चेक करना है। कनेक्शन डालने के बाद भी आपका ग्लू गन काम नहीं किया तो क्या करना है, आपको स्विच चेंज कर देना है। यदि आपको बेसिकली ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो रेड लाइट है वो जलेगा नहीं, तो आपका तीन प्रॉब्लम हो सकता है, पावर सप्लाई, स्विच का और कटिंग कनेक्शन, तीन प्रॉब्लम हो सकता है। या आपका यदि लाइट गया तो आपका ग्लू गन काम करेगा लेकिन आपको उस टाइम में आपका एलईडी चेंज करना पड़ेगा। यदि आपका एलईडी नहीं जल रहा है, एलईडी ठीक कंडीशन में, तो आपको स्विच और ये कनेक्शन देखना है। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पे आपको एक रजिस्टर दिख रहा होगा और इसमें यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक डायोड। देखिए फ्रेंड, ये आपको डायोड मिल जाएगा और यहाँ पे एक रजिस्टर मिल जाएगा। ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि आपको जो 230 वोल्ट इसमें सप्लाई आ रहा है तो ये एलईडी तो ऐसी उड़ जाएगा। इसको हाफ वे रेक्टिफायर में डीसी सप्लाई बनाने के लिए इसको हम लोग एक रजिस्टर और एक डायोड यूज़ किया जाता है फॉर इस एलईडी के लिए। बाकी जो रजिस्टर हो और ये जो डायोड है वो ये हीटिंग में कोई भी उसका रोल नहीं होता। ठीक, वो ये एलईडी को सेव करने के लिए रखा जाता है। तो इतना सर्किट आपको क्लियर हो गया, इसमें जो भी प्रॉब्लम आया तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब रही बात इसके मैकेनिकल प्रोसेस में, अब मैकेनिकल प्रोसेस में पहला मोस्टली प्रॉब्लम आता है इसके नीचे में जो स्प्रिंग का दिया रहता है उसमें, ये वाला। देखिए फ्रेंड, एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी ये लूज़ हो जाने से आपका ग्लू गन ये पूरा लूज़ हो जाएगा, उसके बाद आपका ग्लू गन ये काम करना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले ये स्प्रिंग का सेटिंग करना है। ठीक, तो ये स्प्रिंग का सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये स्प्रिंग को इसमें लगा देना है। देखिए बहन, ये स्प्रिंग इसमें नीचे में जो दिया रहेगा उसमें स्लाइड होके लगेगा। जो दूसरा पॉइंट है वो इसके साथ लगेगा, जो इसमें जो लॉक होगा उसके साथ लगेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे लॉक होगा उसके साथ। लेकिन फ्रेंड, मोस्टली ये तो ये प्रॉब्लम हो गया और सर सेकेंड प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पूरा ग्लू गन जाम हो गया है। तो ये जाम वाला इशू कब आता है कि आप क्या करते हो, जब ग्लू गन को ऑन कंडीशन में रखते हो, यदि आपका ग्लू गन वेस्ट हो रहा है तो आप थोड़ा क्या कर देते हो, बैक कर देते हो, जिससे ग्लू गन ऑन कंडीशन में बाहर ना आए। तो वैसा आपको नहीं करना है। यदि आपको ग्लू गन का यूज़ नहीं करना है तो ओनली आपको स्विच को ऑफ करना है, इसको पीछे नहीं खींचना है। पीछे खींचने से क्या होता है, पूरा ग्लू गन इस पर पूरे बाहर चले जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, इसका जो इंटर वाला पॉइंट है वो लॉक हो जाएगा फ्रेंड, जिससे क्या जाएगा, आपका स्टिक अंदर नहीं जा पाएगा और आपका जो ग्लू गन है वो आगे नहीं आएगा।
तो इसके लिए आपको खींचना नहीं है, आपको बंद करना है, तो आपको स्विच को बंद कर देना है, जो थोड़ा बहुत भी ग्लू गन वेस्ट होगा उसको वेस्ट होने दे देना है, ठीक। तो इसके लिए आपको क्लीन करना पड़ेगा, तब जाके ये ग्लू गन आगे जाएगा। तो ग्लू गन को क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको बाहर निकालेंगे, स्प्रिंग को बाहर निकाल दिए, इसको हम लोग थोड़ा बाहर निकालेंगे। देखिए हम पूरा लॉक हो गया, इसके लिए हम लोग ग्लू गन को देखिए पूरा हार्ड हो गया ये, तो हार्ड हो गया तो क्या करेंगे हम, इसको सबसे पहले यहाँ से थोड़ा कट कर लेते हैं। तरह आपको अच्छे से कट करके इसको निकाल लेना है। उसके बाद जो सामने वाला पॉइंट है उसको भी आपको बाहर निकाल लेना है। देखिए फिर ग्लू गन क्या क्या पूरे स्टिक कर दिया है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा हीट करेंगे यहाँ पे। स्टिक के साथ अंदर चला जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको हम लोग पूरा वापस लगा देना है जैसे इसमें लगा था। कर लिए हैं, ये अपना ग्लू गन रेडी हो गया। हेलो फ्रेंड, इसमें हम लोग पावर सप्लाई देंगे। पावर सप्लाई देने के बाद जैसे स्विच ऑन करेंगे आपका लाइट ऑन होगा। देखिए फ्रेंड, ये अपना लाइट ऑन हो गया। उसके बाद ये ग्लू गन देखेंगे कि ग्लू गन आता है कि नहीं आता है, ठीक। तो इसके लिए आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा ग्लू गन आने के लिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे में कुछ रख देंगे जिससे नीचे में इसका ग्लू गन ना आए।